है गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन अकेडमी क्लासेस। क्वेश्चन दिया गया है आपको, इन अ कंपनी रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय इज 11:4। ऑन अ पर्टिकुलर डे 25% ऑफ मेल एम्प्लॉय एंड 55% ऑफ फीमेल वेंट फॉर पिकनिक, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एम्प्लॉय डिडंट गो फॉर पिकनिक। ठीक है, हिंदी में दिया गया है आपको, एक कंपनी में पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात 11:4 है। एक विशेष दिन पर 25% पुरुष और 55% महिलाएं पिकनिक के लिए गए। ठीक, फिर कुल कर्मचारियों का कितना प्रतिशत जो है वो पिकनिक के लिए नहीं गया, आपको ये बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल सा है, आपको मेल और फीमेल का रेशियो दिया हुआ है और बोला गया है कि 25% मेल एंड 55% फीमेल जो है किसी पर्टिकुलर डे पिकनिक के लिए गए हैं, और आपको बताना है कि उस दिन कितने परसेंटेज लोग पिकनिक पर नहीं गए थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम मिक्सचर एंड एलिगेशन मेथड से करेंगे। सबसे शॉर्ट मेथड रहेगी उस क्वेश्चन करने की, मेथड ये होती है उसमें कि जैसे कि आपको पूछा गया है आंसर में कि पिकनिक के लिए नहीं गए, यानी कि जो पिकनिक के लिए नहीं गए उसका पूछा गया है आपसे, तो मेल का कितना दिया है क्वेश्चन में, जो पिकनिक पर गए थे 25% मेल पिकनिक पर गए थे। ठीक है, और जो नहीं गए थे ठीक उनको निकाल लेंगे हम, तो टोटल मान लो मेल आपके 100% थे, उसमें से 25% आपके पिकनिक पर गए, तो कितने परसेंट लोग नहीं गए, 75% मेल जो थे वो पिकनिक पर नहीं गए। ठीक है, इसी तरह से वुमेन का निकाल लेंगे, जो महिला थी उसमें से 55% महिलाएँ पिकनिक पर गई, तो कितनी बची, 45%। ये 45% कौन है, जो पिकनिक पर नहीं गई। ठीक, अब मिक्सचर एलिगेशन के मेथड में क्या करते हैं, एक साइड हम मेल लिखते हैं, एक साइड फीमेल का लिखेंगे, यानी कि वुमेन का जो कंपनी में काम करते हैं, और यहाँ पे आपको जो पूछा गया यानी कि पिकनिक पर नहीं गए, नहीं की बोला यानी कि जो नहीं गए तो डिडंट गो। ठीक, तो हम यहाँ पे नेगेटिव वाली बातें लेंगे, यानी कि जो पर्सन यानी कि जो मेल पर्सन पुरुष है वो जो लोग पिकनिक पर नहीं गए वो यहाँ आएगा, यानी कि 75% लोग आ गए आपके इधर, और जो फीमेल थी जो पिकनिक पर नहीं गई थी उस दिन वो 45% इस साइड आ जाएगा। ठीक, अब बीच में आपका क्या आएगा, बीच में आपकी वो वैल्यू आएगी दोनों की मिला के जो उस दिन पिकनिक पर नहीं गए थे। ठीक है, तो ये हमें निकालना है, तो हम मान लेते हैं कि ये X% लोग है जो पिकनिक पर नहीं गए, दोनों को मिला के मेल और फीमेल दोनों को मिला के इतने लोग हैं जो पिकनिक पर उस दिन नहीं गए, और ये हमें निकालना है। ठीक है, और आपको यहाँ पे मेल और फीमेल का रेशियो दिया हुआ है 11:4। ठीक, तो मेल के अपॉन में मेल का रेशियो लिखेंगे यानी कि 11, और फीमेल के नीचे फीमेल का रेशियो यानी कि 4, यानी कि 11:4 आपका यहाँ आ जाएगा। अब इस मेथड में हम क्या करते हैं कि जो 75% है इसको इस वाली वैल्यू में से माइनस करते हैं, और जो भी आपका आंसर आता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं इस साइड। ठीक है, और फिर ये जो एक्स है इस एक्स में से 45 को माइनस करते हैं, और जो भी आंसर आता है वो हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो यही हम यूज़ करेंगे, और इसी का यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ आपको एक्स की वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 75 में से एक्स को माइनस करेंगे और इक्वल टू को 4 के बराबर करेंगे। ये आपका नंबर दिया हुआ है पर रेशो की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, एग्जैक्ट नंबर नहीं है आपका ये मेल फीमेल का, ये रेशो की फॉर्म में है। ठीक है, ये रेशो की फॉर्म में, तो हम इन्हें डायरेक्टली नहीं कट कर सकते, ये रेशो की फॉर्म में, तो रेशो की फॉर्म में ही लेके चलेंगे। ठीक, यहाँ पे 75 में से x को माइनस करेंगे और इक्वल टू 4 के बराबर रखेंगे, तो 75 माइनस एक्स इक्वल टू 4 हो जाएगा। अपॉन में लिखेंगे एक्स माइनस 45, ये जो x रहेगा इसमें से 45 को माइनस करेंगे तभी आपको 11 मिलेगा, तो एक्स माइनस 45 और जो वैल्यू आएगी वो इक्वल टू के इधर 4 के अपॉन में आ जाएगी। ठीक, इस तरह से आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी, 75 में से x को माइनस करेंगे तो 4 आएगा आपका, और x में से 45 को माइनस करेंगे तो 11 आएगा। इस तरह से इक्वेशन हमारी जम जाएगी, 75 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 45 इक्वल टू 4:11। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 का इंटू 75 में होगा आपका, तो डायरेक्टली आपका आ जाएगा 728 825 माइनस 11 इंटू एक्स 11x, 4 का इंटू एक्स में होगा तो 4x हो जाएगा, और 45 का इंटू 4 में करेंगे तो आपका 180 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 11x इधर आएगा आपका, तो 11x प्लस का हो जाएगा, यानी कि 11 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 15x हो जाएगा,
और ये माइनस का 180 इधर आएगा आपका, तो 825 प्लस 180 हो जाएगा। ठीक, जब दोनों को एड करेंगे तो आपका 5 का 5 आ जाएगा, 2 और 8 10 हो जाएगा, 1 कैरी, 8 और 1 9 और 1 10 हो जाएगा, यानी कि 1005 आपका आ जाएगा। 15x इक्वल टू 1005। अब एक्स के लिए निकालना है तो 15 को उधर भेज देंगे, डिवाइड में पहुंच जाएगा 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 6 90, 10 बचा 105, तो 15 7 105, यानी कि 67% जो लोग थे वो आपका उस दिन पिकनिक पर नहीं गए थे। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू आपकी कितनी जाएगी, 67%। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, 67% लोग जो थे वो उस दिन पिकनिक पर नहीं गए थे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार फिर से समझ लो। आपको क्वेश्चन में मेल और फीमेल का रेशो दिया हुआ 11:4, और उस दिन जो मेल थे जो पिकनिक पर गए थे वो 25% है, तो हमने निकाल लिया कितने लोग नहीं गए थे, 75% लोग उस दिन नहीं गए थे। फीमेल का दिया हुआ महिलाओं का कि 55% महिलाएं आपकी पिकनिक पर गई थी, तो कितनी नहीं गई, 45% नहीं जाएगी। ठीक है, 100% मानते तो 45% आपकी महिलाएं नहीं गई थी उस दिन। अब यहाँ मिक्सचर एलिगेशन का यूज़ करेंगे, मेल और फीमेल लिख लेंगे, मेल एंड वुमेन, तो आपका मेन आ जाएंगे 75% जो पिकनिक पर नहीं गए, और वुमेन आ जाएगी 45% जो पिकनिक पर नहीं गई। यहाँ पे हम वो क्वांटिटी लिखते हैं जो दोनों की मिला के आती है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक्स है आपका, और आपको जो लास्ट में वैल्यू मिलेगी यहाँ पे इस बॉक्स में, ये आपको मेल और फीमेल की वैल्यू मिलती है। ठीक है, मेल और फीमेल की के नंबर मिलेंगे आपको, कितनी मेल और कितनी फीमेल है। आपको क्वेश्चन में इनका रेशो दिया हुआ है 11:4, तो हमने वो रख लिया, पर ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है आपकी, ये रेशो में है, ये आपका ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। यानी कि मान सकते हो आप 11:4 के रेशो में ही रहेंगे मेल और फीमेल, हो सकता है ये 22 हो मेल और ये फीमेल जो है वो 8 हो, या फिर इससे ज़्यादा हो सकती है। तो ये एक रेशियो है, कोई पर्टिकुलर आपकी एग्जैक्ट नंबर नहीं है कि यही आपकी 11 मेन रहेंगे 4 वुमेन रहेगी, ऐसा नहीं है, ये एक रेशियो की फॉर्म में दिया हुआ है आपको। ठीक है, अब क्या करेंगे, 75 में से x को माइनस करेंगे तो आपको 4 मिलेगा, 75 माइनस x इक्वल टू 4, और यहाँ x है, इस x में से 45 को माइनस करेंगे तो आपको 11 मिलेगा, यानी कि x माइनस 45 इक्वल टू 11, ये आपका रेशियो की फॉर्म में जम जाएगा, 75 माइनस x अपॉन x माइनस 45 इक्वल टू 4 अपॉन 11, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी 67, जो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आई थिंक सुन में आ गया होगा आपको। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन से प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, थैंक यू गाइस।